हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी पर्सनल डॉक्टर। आज हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन के नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन, इस कंडीशन में एक मेल को 1 से 2 मिनट के टाइम में ही इजैकुलेशन हो जाता है या सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। इसको बिना मेडिसिन के ठीक करने के कुछ नेचुरल तरीके मैं आज आपसे शेयर करूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको हमने काफ़ी सारे पेशेंट्स को दिया और इस तरह की प्रॉब्लम में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। अगर आपको शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है या आपका सीमन वीक है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और आप इसे घर बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऐसी 3 टेक्निक है जो प्री मेच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट में इफ़ेक्टिव पाई गई है। पहली टेक्निक को हम बोलते हैं स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। इस टेक्निक में करना ये होता है कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं और जैसे ही पहली बार आपको ये फील होता है कि आप डिस्चार्ज होने की स्टेज पर पहुंच गए हैं या इजैकुलेट होने वाले हैं, जैसे ही पहली बार आपको ये फील हो तो आप सेक्स रोक देना होता है आपको और 20 से 25 सेकंड तक रुकने के बाद आप अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक को हम बोलते हैं स्क्वीज टेक्निक। स्क्वीज का मतलब होता है दबाना। सो बेसिकली करना ये होता है, जैसे ही मेल को ये फील होता है कि शायद इजैकुलेट की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है तो उसे टाइम पर आपकी फीमेल पार्टनर है वो अपने थंब को 2 फिंगर यूज़ कर को आपके पेनिस को दबाए और इतना दबाना होता है कि आपको थोड़ा पेन हो। इसमें ये ध्यान रखिए कि अगर आपकी पार्टनर ज़्यादा तेज़ प्रेस करेगी तो इंजरी भी हो सकती है और बहुत लाइटली प्रेस करना होता है तो वो इफ़ेक्टिव होगा और आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। पेनिस को स्क्वीज़ करने से डिस्चार्ज का जो फ्लो होता है वो इंटरप्ट हो जाता है और आप कुछ सेकंड बाद दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। और आखिरी टेक्निक है कीगल एक्सरसाइज। इसके बारे में आपने ज़रूर लोगों से सुना होगा या इंटरनेट पे पढ़ा होगा। इसके बारे में लोग जानते बहुत हैं लेकिन ज़्यादातर लोग इसको गलत तरीके से करते हैं। कीगल एक्सरसाइज बेसिकली आपके पल्विस की जो मसल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करती है। रिसर्च ये कहती है कि अगर आपकी पल्विस मसल स्ट्रॉन्ग है तो आप अपने इजैकुलेशन को रोक पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे। लेकिन कीगल एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सही मसल को आइडेंटिफाई करना। इसको आइडेंटिफाई करने का एक बहुत आसान तरीका ये है कि जब आप यूरिन पास कर रहे होते हैं तो आप अपने यूरिन को रोकने का ट्राई करें बिना हाथ का इस्तेमाल कीजिए। जब आप यूरिन के फ्लो को रोकेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मसल है जिसको कीगल एक्सरसाइज में स्ट्रॉन्ग करना होता है। और कीगल एक्सरसाइज में करना ये होता है कि उस मसल को 3 सेकंड के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर 3 सेकंड के बाद रिलैक्स कर देते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसा आपको कम से कम 8 से 10 बार करना होता है। कीगल एक्सरसाइज थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग तो है लेकिन इफ़ेक्टिव भी है। एक प्रॉपर मेडिकेशन के साथ ये टेक्निक्स काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग और आपकी हेल्थ से जुड़े कुछ टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।